शामिल करते हैं पस्ती से हमारे ब्यूरो चीफ सज्जाद मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पस्ती गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पस्ती में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर DDEO फीमेल पस्ती मैडम महनाज और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मैडम सुमैरा ने फिता काट कर लैब का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तकरीब में गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन ग्वादर के ज़िले सदर हनीफ मोहम्मद और दानिश सईद भी शरीक थे। उन्होंने बताया कि इनकी ज़ाती कोशिशों और अबू धाबी के शाही ख़ानदान के शेख सुरूर बिन मोहम्मद अल नहयान की सखावत से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पस्ती को लैपटॉप अमा लैब के दीगर ज़रूरी आलात फराम किए गए जो इस जदीद दौर में तालबात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। वाज़ेह रहे कि स्कूल की कंप्यूटर लैब की खड़ी और दरवाज़ों में लोहे के ग्रिल और दीगर हिफाजती इंतजाम ना होने की वजह से कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कुछ मुद्दत के लिए ताखिर का शिकार रहा। ताहम हालिया क्लस्टर बजट के तहत अभी लैब की मरम्मत और एलुमिनियम खिड़कियों के लिए लोहे की ग्रिल और लोहे के हिफाजती गेट के काम मुकम्मल किए गए हैं। इस नए कंप्यूटर लैब के इफ्तिताह से पस्ती की नई तालबात को कंप्यूटर की तालीम हासिल करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ इनकी तालीमी सलाहियतों में इजाफा होगा बल्कि वो मुस्तकबिल में बेहतर मौके हासिल करने के लिए भी तैयार होंगी। इस मौके पर स्कूल हेड मिस्ट्रेस और तालबात ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ग्वादर और हुकामे वाला से इस्तदा की है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के लिए IT टीचर और एक मजीद चौकीदार की तैनाती की अपील की है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ एक चौकीदार का पोस्ट है जबकि IT टीचर की पोस्ट मिसिंग है।